ऐसे ही 25 फरवरी को रोजगार भारती के द्वारा रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 रोजगार भारती का एक मेला लगा रहे हैं हम लोग रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, जिसमें लगभग 109 कंपनियां आ रही हैं। इसमें मेदांता ग्रुप है, ताज ग्रुप होटल, ताज होटल्स ग्रुप है और महिंद्रा है, ऐसे बहुत सारे नामचीन कंपनियां जो देश की हैं वो यहां पर आ रही हैं अपने यहां संस्थान में लोगों को रोजगार देने हेतु। तो लगभग बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहानपुर, इन सब से अभ्यर्थी जॉब के लिए यहाँ पर इस मेले में आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो का वो है उसको श्रीमान जयवीर सिंह जो मंत्री जी हैं वो और डॉक्टर अरुण कुमार जी और धर्मपाल जी, ये तीन लोग रहेंगे और साथ में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत के प्रांत आदरणीय प्रांत प्रचारक श्रीमान हरेश रौतेला जी रहेंगे। तो इसमें लगभग अभी 5,700 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑनलाइन। उम्मीद करते हैं कि 7,000 से 8,000 रजिस्ट्रेशन सभी होंगे अगले एक से दो। डायरेक्ट भी आ सकते हैं, जिनका ऑनलाइन नहीं भी है उनके लिए भी हम लोगों ने ऑफलाइन व्यवस्था भी रखी है। हमारा उद्देश्य इस रोजगार भारती का ये है कि अधिक से अधिक लोगों के हाथ में रोजगार हो, क्योंकि ये समृद्धशाली देश है और समृद्धशाली देश को पुनः समृद्धशाली बनाने के लिए युवा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी को ध्यान में रखकर ये रोजगार भारती का सृजन किया गया है, वही सपने को पूरा करने के लिए सब लोग लगे। कल हम लोगों के यहाँ 24 तारीख को संजय कम्युनिटी हॉल में तरुणी सम्मेलन हम कर रहे हैं, जिसमें 15 वर्ष से 30 वर्ष की आयु की बहनें वहां पर एकत्र होंगी और साध्वी अरुंधति जी हैं उनका वहां पे वो मुखवक्ता हैं, तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा उन बहनों को कैरियर से जुड़ी हुई, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उनके जो भूषाचार है उस सब को ध्यान में रखकर तमाम बातों पर डिस्कशन और संवाद की प्रक्रिया रहेगी। ये कल तरुणी सम्मेलन का उद्देश्य है। हाँ, कुछ बहनों को सम्मानित भी किया जाएगा और इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्यार्थी विभाग है, उस विद्यार्थी विभाग के द्वारा 3 मार्च को युवा सम्मेलन किया जा रहा है और उस युवा सम्मेलन में भी इसी तरह से उनके करियर काउंसलिंग, उनके समाज के प्रति दायित्व क्या है, उनके नागरिक अनुशासन, ऐसे तमाम विषयों पर उसमें भी चर्चा वार्ता रहेगी।